ये कपड़ा जो है इसकी वाइब्रेशन करता है। ओके अभी एक भाई से रिव्यू लेते हैं। पावरफुल है। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? अब हम आपको नेक्स्ट दिखाने वाले हैं। अब हमने इंडोर के लिए देख लिए, हैवी से हैवी बेस वाले देख लिए, अब मैं आपको कुछ आउटडोर के लिए दिखाने वाला हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ अपना डीजे किंग 1515 जो कि इम्पोर्टेंट सर्किट में है ना। बिल्कुल सर, ये इम्पोर्टेंट में रहने वाला है। 17 mm वुडन थिकनेस के साथ, 42 इंची हाइट, 15 इंच के 4 बूफर मिल जाएंगे आपको, 155 मैग्नेट के। अगर इसकी वोकल्स की बात करूँ तो इसमें आपको हाइस मिलेगी जो कि 72 मैग्नेट की रहेगी। जो डीजे स्पीकर होते हैं उसी टाइप की क्वालिटी इसमें आएगी। बिल्कुल सर, ये डीजे ही रहेगा आपका, और एक आउटडोर के लिए स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर वोकल्स बहुत दूर तक जाने वाली है। अगर आप इसके टॉप पे लेंगे तो बहुत ही प्यारा आपको इसके अंदर मिक्सर कंट्रोल दे रखा है आपके यार, इसको इक्वलाइजर वगैरह हर एक चीज है, और ये हर चीज वर्किंग रहने वाली है। आप इसमें रिकॉर्डिंग फीचर भी देख सकते हैं, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर आप 2 वायर्ड माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं, और 2 UHF के आपको 2 वायरलेस माइक इसके अंदर मिलने वाले हैं। आप देने वाले हो फ्री? बिल्कुल, और ये बेस ट्रेवल भी कंट्रोल कर सकते हैं आप देखेंगे तो ये क्वालिटी रहने वाली है। ऐसे 2 माइक आपको मिलेंगे UHF के हैवी वेट में। बिल्कुल सर। इसके साथ बैटरी मिलेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बैटरी मिलेगी। बैटरी नहीं देते, ये हैवी सिस्टम है इसका, आपको बैटरी मिलेगी, इसका रिमोट भी मिलेगा। ओके बिल्कुल, और आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 2 वायर माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं, और 2 UHF वायरलेस माइक आपको साथ मिलेंगे। 15 इंची वूफर, और सबसे ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर आपको 155 मैग्नेट का वूफर हम देंगे, ना कि हमारा 120 और 135 हम इस्तेमाल नहीं करते। 155 मैग्नेट में आपको ये 4 वूफर मिलेंगे, और बहुत ही खतरनाक बेस। ये LEDs लगी हुई है हमारी ग्रिल पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी और ये अपना पेंट बॉडी में, ये पेंटेड सिंगल जो पीस है हमारे पेंट बॉडी में, बाकी कोई भी पेंट बॉडी में नहीं है। और एक चीज आपको मैं उठा दूं, हम जो हैंडल इस्तेमाल करते हैं आप देख सकते हैं लोहे के हैंडल आपके रहने वाले हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत हैवी रहता है। ये डीजे वाले कोलम वाला सीन है इसमें ना सर, क्योंकि इसके अंदर अगर हल्के कई लोग इस्तेमाल करते हैं वो चीप होते हैं, हम इसके अंदर मेटल के इस्तेमाल करते हैं, और हैवी मेटल की ग्रिल का इसके अंदर इस्तेमाल होता है। टेस्टिंग कर ले इसकी? बिल्कुल सर, टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो गाइस अभी इस धमाके की टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ये हमारे दूल्हे राजा यहाँ पे खड़े हुए हैं बहुत देर से, इसको भी अनबॉक्स करने वाले हैं। ओके तो अभी इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं अरमित भाई के साथ। ओके कुछ दिख नहीं रहा जो हिल रहा है, मैं दिखा सकता क्योंकि पूरा। ओके अभी एक भाई से रिव्यू लेते हैं। भाई ये जो भी टेस्टिंग चल रही थी कैसा साउंड था? बहुत बढ़िया। चाहोगे तो यही लोगे हिल गया लग भी रहा हिल गए ठीक है अरमित भाई, तो भाई ने बोला हिल गया मैं, और इतनी वाइब्रेशन जेन्युइनली हो रही थी कि इससे अच्छा रिव्यू और क्या हुआ। यही चीज हम चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं ठीक बोला है भाई ने, ऐसा बेस था इसका। अबे यार ठीक है भाई ने तो कॉन्फिडेंटली बोला हिल गया मैं। इस टावर ने भाई को हिला दिया। तो क्या सर्किट बोर्ड यूज किया है, कितने RMS पावर में है ये? सर ये तो कुछ ज्यादा ही हैवी सिस्टम मार रहने वाला है, और इसकी प्राइस की बात करूँ तो 23,500 के अंदर आपको ये सिस्टम मिल जाएगा जो कि है डीजे किंग 1515। और अगर आपको इसके थोड़े कम बजट के अंदर चाहिए लेकिन ऐसा ही कुछ चाहिए तो आप इसके डीजे किंग 1212 ले सकते हैं। इसके अंदर 12 इंची के आपको 4 बूफर मिल जाएंगे। ओके उसके अगर प्राइस की बात करूँ तो 21,500 के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2 UHF माइक बिल्कुल फ्री मिलेंगे जो कि वायरलेस रहने वाले। ठीक है, क्या प्राइसिंग बताई आपने? 23,500 डीजे किंग 1515 15 इंच के 4 बूफर, और डीजे किंग 12 इंच के 4 बूफर 21,500 में। बाकी डिस्काउंट तो आप दे रहे हो जो इस वीडियो के थ्रू आएगा। लाइक शेयर करा होना चाहिए, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। तो अब ये जो फाइनली अपना जो दूल्हे राजा है इसको रिवील करते हैं, अपनी फर्स्ट वीडियो में रिवील हो रहा है और कहीं रिवील नहीं किया है ये, अभी कहीं रिवील नहीं हुआ। मेरी कई वीडियो के अंदर मैंने बातें आपके व्यूअर्स को काफी ऑडियंस को पहले क्लियर की है कि धूम 3 प्रो अल्ट्रा हमारा मॉडल जितना था आप लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, बहुत प्यार दिया, उसकी बेस की आपने बहुत तारीफ की। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल उससे दुगनी बेस आपको देने वाला है, उससे दुगनी वोकल्स देने वाला है, और उतना खतरनाक रहने वाला है, अपने आप में एक लेजेंड प्रोडक्ट रहने वाला है। इंडिया के अंदर इतना लंबा और इतना खतरनाक बेस वाला, इतने बड़े गुफर के साथ ये मॉडल आपने कहीं नहीं देखा होगा। अब आपकी वीडियो के अंदर पहली बार मैं अपने इस नेक्स्ट मॉडल को रिवील करने वाला हूँ। मॉडल का नाम रहने वाला है धूम 4। ओके काफी लोग इसकी वेटिंग थी, कई लोग मेरे से इसकी प्री बुकिंग भी मांग रहे थे। और एक सबसे अच्छी बात जो हमारे सारे मॉडल्स की मैं बताने वाला हूँ कि आपको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे, हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहता है,
कोई इस मॉडल की प्री बुकिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जितने भी सही उतने जितने रेडी मिलेंगे आपको मिल जाएंगे, हाथों हाथ मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं कि आपको हम वेटिंग कराएंगे किसी भी मॉडल की। और इस मॉडल की मैं बात करूं तो बहुत ही खतरनाक बेस रहने वाली है, और चैलेंज है मेरा जिन लोगों को लगता है कि उनके सिस्टम बहुत अच्छी बेस देते हैं, बहुत खतरनाक बेस है, उनसे बेस्ट सिस्टम नहीं है, तो ये ओपन चैलेंज रहने वाला है डीट्रॉनिक्स का। विजिट करो और अपना चैलेंज को एक्सेप्ट करो और करो कंपेयर हमारी बेस। जनरली मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी जितनी मैंने डीजी टावर की वीडियो शूट किया सबसे तगड़ा बेस वगैरह पंच वगैरह आपके टावर्स में ही है, तो जनरली मैं बता रहा हूँ जो मैंने फील किया है। थैंक यू, बहुत बढ़िया है। यही चीज मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी पता लगे जैसे आपको पता लगी है। तो आइए इस मॉडल को रिवील करते हैं। 1, 2, 3 सो गाइस ये है वो सेक्सी मॉडल, आप देख सकते हो प्योर ब्लैक कलर में, प्योर वुडन फिनिश आपको इसके अंदर मिल जाएगी। 13 mm वुडन थिकनेस के साथ ये मॉडल रहने वाला है, 10-10 इंच का आपको 6 वूफर आपको इसके और भैया की वापिस एनर्जी भी आ चुकी है इसकी अनबॉक्सिंग करते ही। सर ये मॉडल ही ऐसा है जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, ऐसी ये खतरनाक बेस आपको देने की कोशिश की है, जो मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसी बेस आपको कोई और नहीं मिल सकती है। ओके हरमित भाई, इसकी एक बार कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं, इसके अंदर भी हमने आपको कुछ समझाने का तरीका आपको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर आपको वूफर मिल जाएंगे, खतरनाक बेस आपको देने वाले हैं, इसके अंदर इतना हैवी 10 एम्पीयर का ट्रांसफॉर्मर स्टोर किया, क्योंकि इतने अगर आप देखेंगे इसके अंदर फ्रंट में तो आपको इसके अंदर इसके 6-6 इंच की दो मिडरेंज मिल जाएगी, 4-4 इंच की दो ट्विटर मिल जाएंगे, और फिर 4-4 इंच की दो मिडरेंज आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ बेस तो देनी देनी थी, वोकल्स के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना था, इसलिए हमने इसके अंदर आपको इतनी एडिशनल बेस के साथ आपको वोकल्स की भी फैसिलिटी दी है। और अगर हाइट की बात करूं तो 43 इंची हाइट रहने वाली है इस मॉडल की, फुल्ली लेदर फिनिश के साथ। और अगर इसके सर्किट की बात करूं, मॉस्फेट सर्किट रहने वाला है, हैवी हीट सिंक के साथ रहने वाला है, और बहुत ही खतरनाक बेस है ये, ओपन चैलेंज है, और ऐसा प्राइस अब मैं आपको देने वाला हूं कोई नहीं दे पाएगा, जो कोई नहीं दे पाएगा, गारंटीड है, गारंटीड है सर। और इन फ्यूचर इसका टियर डाउन भी आएगा, इसकी अनबॉक्सिंग भी करके देंगे, मतलब प्रॉपर खोल के, पॉसिबल है ना ये? बिल्कुल पॉसिबल। अगर इस वीडियो को लोग प्यार ज्यादा दिखाते हैं तो बिल्कुल सर, अगर आप इसको लाइक शेयर करते हैं और हम एम रखते हैं कम से कम आप इसको 5 लाख व्यू तक लेके जाते हैं इस वीडियो को, तो इसका आपको फुल्ली ऑपरेशन मिलने वाला है। ओके, इसका और इसका, बिल्कुल है ना, दोनों का आपको टियर डाउन मिलेगा, क्या क्या सर्किट बोर्ड यूज हुआ है। ओके, मेरे पे ऑलरेडी कमेंट आए हुए हैं चैनल पे कि इस मॉडल का एक बार कीजिए और लोगों को पता है क्या मॉडल है ये, ठीक है, आपको अवेयर करने के लिए हम इसका जरूर करेंगे टियर डाउन। और अगर आप देखेंगे तो इतने हैवी वूफर के साथ 120 मैग्नेट के आपको 6 सबवूफर इस मॉडल के अंदर मिल जाएंगे, जो गारंटीड है इतनी खतरनाक बेस आपको देने वाले हैं कि आप इनसे कंपेयर कर सकते हैं, टक्कर दे देगा सर इसको बीट भी कर देगा, इतना खतरनाक बेस आपको मिलने वाला है। मेरे धूम 3 अल्ट्रा प्रो मॉडल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, अगर आपको कुछ उससे भी डबल चाहिए तो आप जा सकते हैं धूम 4 मॉडल के साथ। ये हमारी कोशिश है डीट्रॉनिक्स तरफ से, एफर्ट है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दे पाए। अगर इसकी बैक साइड पे आप देखेंगे तो आपको इसके अंदर यहाँ पे कॉर्डलेस माइक रखने का पूरा फैसिलिटी दी हुई है। ओके, आप यहाँ पे अपना माइक रख सकते हैं, ये कॉर्डलेस माइक आपका बिल्कुल इसके साथ फ्री आने वाला है। ओके, नॉब्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, बेस ट्रबल रिपीट माइक इको वॉल्यूम वगैरह हर चीज कंट्रोल कर सकते हो, ऑक्स भी लगा सकते हो, 2 माइक्स यहाँ पे इनबिल्ट कर सकते हो, एंटीना है इसका, और यहाँ पे अपना माइक रख सकते हैं, यहाँ पे हमारी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी डीट्रॉनिक्स। बिल्कुल सर, ये 2000 वॉट PMPU में है ना, 8 ohms में है, बिल्कुल 8 ohm के आपको इसके अंदर वूफर मिल जाएंगे, जो की 10 इंची के रहने वाले हैं 120 मैग्नेट के अंदर। फ्रंट में बहुत ही प्यारी लुक हमने दी, जैसी हमने अपने धूम 3 अल्ट्रा सिंपल, बिल्कुल सर, और यहाँ पे आपको हमारी ब्रांडिंग दिख जाएगी, ठीक है। इन सबको हम फैक्ट्री में बनते हुए भी दिखाएंगे इन फ्यूचर, बिल्कुल सर, फ्यूचर में आपको मैं इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि आप एक डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, जो आपको आपकी हर एक चीज का सोल्यूशन भी कर सकता है, आपको सपोर्ट भी कर सकता है, और एक ऐसी क्वालिटी दे सकता है जो और कोई आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इतना हैवी सिस्टम, इसका अगर वेट की बात करूं तो अराउंड 60-65 किलो इसका वेट रहने वाला है, अकेले बंदे के बस की नहीं है इतना भारी सिस्टम को उठाना, ठीक है, तो अभी टेस्टिंग करने वाले हैं इसकी अरमित भाई, बिल्कुल ओके। और गाइस देख सकते हो कुछ कुछ जो टावर से हमने टेस्टिंग नहीं की है, तो आप देख सकते हो फोटोज, इनको स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आपको प्राइस वगैरह बता देंगे, और वहां पे भी कुछ सेट्स हैं हमारे, देख सकते हो ये सारे सेट्स वगैरह हैं, इनकी फोटोज वगैरह भी लेके इनको भेज सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। ओके,
सो गाइस फाइनली हम धूम 4 की टेस्टिंग करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, तो वीडियो में बने रहना क्योंकि बहुत हैवी सेट है एक्चुअल में, तो देखते हैं टेस्टिंग, लेट्स गो। ओके हमने मैश निकाल दिया इसका, एक बार बूफर देख लेते हैं। बिल्कुल सर, ये इसके बूफर का लुक, ये इसके बूफर देखने वाले। और सबसे गौर वाली बात, अगर जो लोग कहते हैं कि ये सब बूफर नहीं है, तो आप एक बार ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सी कॉइल इस्तेमाल की है, कितनी मोटी है सब बूफर कॉइल है, ताकि जंप काफी तगड़ा ले सके ये हमारा बूफर। ये मतलब हमारा रबर सराउंड नहीं है, फोम सराउंड है ना। बिल्कुल सर, ये आपको काफी अच्छी जंप लेने में जो हेल्प करता है बूफर की। हम इसके अंदर बूफर इस्तेमाल करते हैं सब बूफर की, इसके अंदर कोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक हैवी डीप बेस आपको मिले। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इसके सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे धूम सीरीज के प्रोडक्ट हैं उनके अंदर एक सराउंडिंग बेस दी है, आपको ऐसा इफेक्ट मिला कि बेस आया और एक पंच की तरह लग के खत्म नहीं हो गया, आपको एक वाइब्रेशन छाती में लगेगा पहले वो। सारे मैश हम निकाल रहे हैं इसके, ठीक है सारे मैश निकाल दे ताकि पंच आपको देखने को मिले। ओके क्लीन लग रहा है, कोई इशू नहीं है। टेस्टिंग करें स्टार्ट, नीचे का भी खोल ले विशाल। ओके लास्ट खोल ले। ओके वाइब्रेशन टेस्ट करने वाले हैं, एक बार दिखा दो। फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर रहे हैं हम, देख सकते हो फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 33 ले कौन से 12 हर्ट्ज पर सेकंड पे आपको टेस्टिंग देने वाले हैं, उम्मीद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी, देखने का सिस्टम आपको 30-30, 50-50 हजार का, 25 हजार का सिस्टम मिलता है, कुछ लोग 17 हजार का भी आपको सिस्टम दे देंगे, 4-4 बूफर वाले। ये सिस्टम जो कि 6 सब बूफर का है, 10-10 इंच के आप देख सकते हैं, जो कि 120 मैग्नेट के है। मैं आपको ऐसा प्राइस दूंगा इसका, मात्र 17,500 के अंदर ये सिस्टम आपको मिल जाएगा, जो कि ब्लास्ट है। ब्लास्ट तो है सर, धमाका है। और साथ में आपको एक चीज और जो मैं इसी प्राइस के अंदर इंक्लूड है, वायरलेस माइक आपको बिल्कुल इसके साथ, जिसकी कॉस्टिंग है 1000 रुपीज। बिल्कुल सर, 1000 रुपीज माइक वायरलेस 17,500 में इस सिस्टम के साथ आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। किसी को सर्किट बोर्ड वगैरह देखना है वो भी आप दिखा दोगे, आप उनको फैक्ट्री विजिट भी करा दोगे, फैक्ट्री विजिट भी करा देंगे सर। अगर जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आपके यहाँ पे विजिट करें, कंपेयर करें उन सिस्टम से जिनको वो बेस्ट मानते हैं, और फिर बताएं कि असली चीज जो असली बेस है वो कहाँ है। ठीक है, तो अरमीत भाई कुछ बोलना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को अपनी तरफ से? मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आप आए हो तो आपको कैसा लगा बेस, आप उनको ऑनेस्ट रिव्यू अपना दें, और जो आपके सब्सक्राइबर है वो इस चीज को माने और एक बार विजिट करें जिनको थोड़ा सा भी डाउट। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू तो मैंने दे दिया है कि मैंने आज तक जितने ही वीडियो शूट किए हैं सबसे बेस्ट जो पंच वगैरह देखने को मिला है आपके टावर्स में देखने को मिला है। आयुष भाई से ही पूछ लेते हैं, आयुष भाई कैसा लगा आपको बेस? बहुत ही जबरदस्त है, देखो मैं अभी भी मेरे कान में सुन सुन हो रहा है, इतना तेज इसका वाइब्रेशन था। और भाई से ही पूछ लेते हैं, मेरे को बहुत बढ़िया लगा सर। अब तो नहीं हिल रहे ना, अब तो सब बंद है ना। तो भाई ब्रांड में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, डीट्रॉनिक्स करके ब्रांड है, सोशल मीडिया हैंडल्स इनके सारे फेसबुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू। ओके ओके अरमीत भाई मैंने अपना रिव्यू भी दे दिया आपको, जो कि जेन्युइन है। बिल्कुल, तो और कुछ ऐड करना चाहोगे अपनी तरफ से? यही कहना चाहूंगा काफी वायरल प्रोडक्ट है ये, इसको अपने घर लेके जाए। अगर आपको असली बेस चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, तो आप मेरे धूम 4 को एक बार ट्राई करें। अगर आपको नहीं लेना तो भी एक बार आके सुनिए कि आपको पता लगे असली खतरनाक बेस कैसे होती है। और बाकी मैंने चैलेंज दिया है, आपने सिस्टम को लेके आया, इससे कंपेयर करें कि इससे खतरनाक बेस है कि नहीं, आपको पता लग जाए कि असली बेस डीट्रॉनिक्स में सिर्फ आपको मिलेगी। जो मेरे मॉडल धूम 3 अल्ट्रा प्रो ने किया था उससे डबल बेस, उससे डबल वोकल्स और उससे डबल तबाही आपको ये मॉडल देने वाला मेरा धूम 4। ओके सो थैंक यू सो मच अरमीत भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।